हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल 9.10। सो एग्जांपल 9.10 देखिए क्या कहता है। ये कहता है टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई बोथ आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्स और वाई आपके दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये मीन आप देखिए क्या लेते हैं, 1 एंड 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 एंड 4। मतलब इसका मीन 1 है एंड इसका जो मीन है वो आपका 2 है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन 3 एंड 4। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 होने का मतलब है इसका वेरियंस हो जाएगा 9 एंड 4 है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब ये हो जाएगा 16 रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहे हैं इफ z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई है विद राइट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ z, देन हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताना है z का। तो देखिए हम वो इजिली बता सकते हैं। देखिए अब कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए x का और y का दोनों के ही डिस्ट्रीब्यूशन पता है। तो अगर हम लोग देखिए z पे z का एक्सपेक्टेशन फाइंड करें तो एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगा x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो यहां से देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x जब हम लोग करेंगे देन माइनस वाई, इसका मतलब ये 1, माइनस 2 इसका मतलब माइनस 1 आ गया। अगर हम वेरियंस ऑफ z फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ x प्लस वेरियंस ऑफ y। वेरियंस ऑफ x है हमारा 9 प्लस वेरियंस ऑफ y, वेरियंस ऑफ y हमारा कितना है 16 है। तो 9 प्लस 16 हमारा आ जाता है 25। इसका मतलब हम कह सकते हैं z हमारा फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन माइनस 1 एंड वेरियंस हो जाएगा 25। बिकॉज देखिए हमें ये प्रॉपर्टी है कि हमें पता होता है कि अगर दो हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो उनका जो सम होगा या फिर उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। तो देखिए ये हमें पता चल गया। अब यहां से हम लोग इजिली जो इसका पीएमएफ है वो हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा की जगह आएगा 5 अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ देन एक्स माइनस म्यू, माइनस म्यू तो उसकी पहले वैल्यू है माइनस 1 तो जब वो रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 में, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर बिकॉज नीचे सिग्मा होता है। अब सिग्मा हमारा क्या आएगा बिकॉज ये वेरियंस है तो सिग्मा हमारा 5 हो जाएगा। एंड इसकी यहाँ पे देखिए रैंडम वेरिएबल z है तो इसकी रेंज जो है वो आपकी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी। तो देखिए ये हो गया। देन देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है ऑल्सो स्टेट द मीडियन। अब हमें यहाँ पे देखिए मीडियन बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है एंड मीन बताना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z। अब देखिए आपको पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब कि इसका जो मीन होता है, जो इसका मीडियन होता है और इसका जो मोड होता है वो तीनों आपके क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहां से देखिए मीन इसका कितना आया था माइनस 1 तो इसका मतलब मीडियन भी इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बिकॉज यहाँ ये वेरियंस है 25 तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 5 हो जाएगा बिकॉज वेरियंस का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस होता है। तो देखिए अंडर रूट ऑफ वेरियंस मैंने रखा और ये आ जाता है यहाँ पे 5 और मीन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मीन इसका है 25। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आपको यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आप लोग को प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड करनी है जेड प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब हमें देखिए ये क्या कर सकते हैं 1 को हम उस तरफ भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा z इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ये z है, z को आप लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कंसीडर मत करने लगना कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। क्यों? क्योंकि z है आपके x माइनस वाई को हम ये रिप्रेजेंट करता है और z आपका क्या हम लोगों ने फाइंड किया था ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब z को हम लोग को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन से और डिवाइड करते हैं सिग्मा से। यहाँ पे आप लोग नोटेशन कुछ और भी ले सकते थे, आप लोग टी ले लेते तो यहाँ पे ये टी का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता और यहाँ पे ये जेड की जगह पे ये क्या हो जाता टी हो जाता। बट क्वेश्चन में जेड ही नोटेशन गिवन था इसलिए हम लोग इसको जेड लेके चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है तो यहीं पे ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे तो वो हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब है कि हमने पहले इसको कन्वर्ट करा तो ये लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए जेड जेड का जो मीन था वो हमारा क्या था 25 था तो माइनस कर देंगे 25 एंड डिवाइड कर देंगे इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से जो कि है 5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए अब हम मान लीजिए कि आपका स्मॉल z है, अब हम इसको कैपिटल z के फॉर्म में लिख देंगे ये आपका हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट इज लेस देन इक्वल टू यह हो जाएगा आपका -26/5। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाता है माइनस का 5.20। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अगर आप लोग माइनस से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोग क्या करोगे इसको प्लस में कन्वर्ट कर लोगे। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं z इज यहाँ लेस था तो इसको कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू
यहाँ से क्या हो जाएगा 5.20। बट आप लोग देख रहे हैं 5.20 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बिकॉज यहाँ से हम लोग देखते हैं ये होता है आपका z इज इक्वल टू जीरो, और हमें टेबल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो हमें 3.9 तक की वैल्यूज गिवन होती हैं, बट 3.9 से ये 5.20 बहुत बड़ा है, इसका मतलब कि ये पूरा ही एरिया यहाँ से कवर करेगा, तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आपकी 0.50 ही आ जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप लोग टेबल जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज टेबल में आप लोग को यहाँ से पता चलेगा जो ये जेड की वैल्यू नीचे आपको गिवेन होती है और ये तो इधर वाला आपको प्रोबेबिलिटीज गिवेन होती है, तो जेड की जो वैल्यू है आपकी आपको दिखेगी कि 3.9 तक ही है। 3.9 से अगर ये यहाँ पे 4 भी हो जाता है, अगर ये यहाँ पे 4 भी होता कि z की वैल्यू बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे, तो भी ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0.50 ही हो जाती। 0.50 का मतलब है कि ये पूरा सेक्शन, ये जो राइट साइड वाला है इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।